ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये एलपी टेक्नीशियन पे देखिएगा, फेज चेंज ऑफ वाटर से रिलेटेड आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ से न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ये देखिएगा, ये दोनों चीज़ को आपको समझने के लिए जो है ग्राफ समझना होगा। यहाँ पे देखिएगा क्यू इज इक्वल टू क्या है, एम एस डेल्टा टी, और इसके अलावा क्यू इज इक्वल टू क्या है, एम एल। ये दोनों चीज़ को समझने के लिए आपको जो है एक ग्राफ को समझना होगा। चलिए आइए हम ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा फेज चेंज ऑफ वाटर के बारे में समझेंगे। फेज ही देखिएगा, वाटर ही एक ऐसा प्रॉपर्टी है, वाटर ही एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा, वाटर ही एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि आपको तीनों अवस्था में दिखता है। किसमें किसमें दिखता है तो याद रखिएगा, सॉलिड में दिखता है, इसके अलावा लिक्विड में भी दिखता है ये, और इसके अलावा ये आपको गैस में भी दिखाई देगा। ये तीनों अवस्था में दिखता है, उसी अवस्था से रिलेटेड यहाँ आपको जो है एलपी टेक्नीशियन में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। ये काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा छोटा टॉपिक है, इसको आप बारीकी से समझिएगा। देखिएगा यहाँ से मैंने एक ग्राफ बनाया है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री पे यहाँ पे ये बर्फ है, और ये है 0 डिग्री पे, और ये है 0 डिग्री पे, इसके अलावा ये है फिर 100 डिग्री, और ये है फिर 100 डिग्री। 10 डिग्री पे -10 डिग्री पे ये बर्फ है, इसको हम लेके जाएंगे 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे भी ये क्या हो जाएगा, बर्फ ही रहेगा। 0 डिग्री पे ये क्या रहेगा, बर्फ ही रहेगा। अब तक ये दोनों क्या है, अब तक ये दोनों किस अवस्था में, याद रखिएगा आइस किस अवस्था में होता है, तो आइस याद रखिएगा सॉलिड अवस्था में होता है, आइस किस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। अब जो है 0 डिग्री से 0 डिग्री पर लेके गए, लेकिन अब जो है ये बर्फ नहीं रहा, अब ये बन गया पानी, याद रखिएगा अब क्या बन गया, पानी। फिर जो है जब ये पानी बना तो 0 से लेके चले गए 100 डिग्री पे, तो भी ये क्या है, पानी ही है। अब देखिए ये जो सॉलिड से क्या हो गया, सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड बन गया। देखिएगा देखिएगा यहाँ पे ये पानी का अवस्था है, यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे लिक्विड हो गया। फिर 100 डिग्री से 100 डिग्री वाष्प पे जिसे जैसे ही इसको लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गैस बन जाएगा। और 100 डिग्री से ऊपर भी जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये गैस ही हो जाएगा। ये इसका अवस्था है। अब देखिएगा ये वाटर जो है आपको अवस्था से अपना चेंज कर रहा है, पहले सॉलिड था, सॉलिड से हुआ लिक्विड, लिक्विड से यहाँ पे देख लेंगे -10 डिग्री बर्फ से 0 डिग्री बर्फ, ये सॉलिड रहा। जब ये 0 से फिर 0 वाटर पे गया, फिर जो है 100 डिग्री पानी पे गया, फिर जो है 100 डिग्री वाटर पे गया, तब क्या हुआ, ये दोनों लिक्विड और ये दोनों सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर क्या हो गया, गैस हो गया। ये इसका क्या है दोस्तों, अवस्था है। इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए आइए इसको समझने के लिए छोटा सा चीज आप देख लीजिएगा यहाँ पे, मैं फटाफट इसको जो है बता देता हूँ। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो चीज समझिएगा। ये मैंने बर्फ ले रखा, देखिएगा ये 10 डिग्री बर्फ है, मान लीजिए -10 डिग्री पे क्या है, बर्फ है। ये यहाँ पे 0 डिग्री, 0 डिग्री पे भी ये क्या है, बर्फ है। फिर जो है ये 0 डिग्री पे आया, ये क्या है, पानी है, याद रखिएगा पानी है। पानी से ये कहाँ गया, 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे भी क्या है, ये पानी है। अब जो है ये क्या हुआ, ये दोनों तो लिक्विड में है, ये दोनों तो सॉलिड में है, लेकिन 100 डिग्री से 100 डिग्री वाष्प पे जैसे ही जाएंगे, 100 डिग्री है लेकिन ये अब क्या है, वाष्प है, अब ये गैस बन गया। अब क्या हो गया, ये गैस अवस्था में हो गया। सिर्फ 100 डिग्री से ऊपर भी जाएंगे तो भी क्या रहेगा, ये गैस अवस्था में रहेगा। अब ये इसी चीज को मैंने देखेगा यहाँ पे, मैंने पहले से लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा -10 डिग्री बर्फ से ये 0 डिग्री पे गया बर्फ पे, फिर जो 0 डिग्री से 0 डिग्री पानी पे गया, फिर जो है 0 डिग्री से 100 डिग्री पानी पे आया, 100 डिग्री से फिर जो है 100 डिग्री वाष्प पे आया है। अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये देखिएगा, ये सॉलिड अवस्था में था, सॉलिड से ये लिक्विड अवस्था में आया, लिक्विड से ये क्या है, गैस अवस्था में ये आ गया। 100 डिग्री से ऊपर भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे एस का होता है, एस का अगर आप देखिएगा, एस का वैल्यू होता है, अगर आपसे पूछे कि एस का बर्फ का वैल्यू क्या होता है, तो देखिएगा दोनों एस का जो है, एस का या तो आपसे आइस पूछे या तो आपसे वाटर पूछे, जो इसका जो वैल्यू होता है, इसका होता है 1/2 कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड या केल्विन, ये इसका जो है वैल्यू होता है, याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको जो है यूज होगा। इसके अलावा जो है एस का, एस अगर आपसे, सॉरी यहाँ पे वाटर नहीं होगा, ये जो है वाष्प हो जाएगा आपका, यह वेपर हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। जब एस का वाटर का वैल्यू आपसे पूछे तो वाटर का वैल्यू हो जाएगा, याद रखिएगा 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर जो है केल्विन पर सेंटीग्रेड, ये आपका यूज होगा, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जो है जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। अब आप थोड़ा सा लेटेंट हीट के बारे में देख लेते हैं, लेटेंट हीट का क्या होता है, तो लेटेंट हीट का जो है एस, इसको जो है ये होगा आपका जो है, ये हो गया विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा को एस से सूचित करते हैं। अब आते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का क्या होता है, तो एल का हो जाता है आपका
एल का हो जाता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ये किसका हो जाता है बर्फ का। और वहीं अगर वाटर का आपसे पूछे एल वाटर डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपका 540 कैलोरी ग्राम होता है, याद रखिएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा, और ये जो एल का यूज होगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ml में, और जो है कि आपका एस का जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ये क्या हो गया ms डेल्टा टी में यूज होने वाला है। देखिए किस तरह का यूज होगा, जब भी देखिएगा सिंपल सा दिमाग में आप ये रखिएगा। अगला वीडियो में मैं आपको डिटेलिंग इसके ऊपर में और भी कर दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने योग्य है। यहाँ पे देखेंगे जब आपका टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, याद रखिएगा जब भी टेम्परेचर आपका ट्रांसफर होगा तब जो है एम एस डेल्टा टी लगाएंगे। जब जो है टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे 0 डिग्री से 0 डिग्री हमको जाना है तो क्या लगाएंगे ml, तब जो है हम गुप्त ऊष्मा लगाएंगे। अगर टेम्परेचर आपका ट्रांसफर हो रहा है तब क्या लगाएंगे एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी लगाएंगे। डेल्टा टी का मतलब ही होता है चेंज इन टेम्परेचर, कहीं भी डेल्टा अगर आपको दिखे तो समझ जाइएगा चेंज इन टेम्परेचर। आपसे पूछ जाए डेल्टा टी कुछ भी पूछे तो क्या हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, या फिर चेंज इन, ये जो है कॉन्सेप्ट ही इसका ये होता है। जब भी टेम्परेचर चेंज का बात होगा सिंपल सा याद रखिएगा, आपको जो है विशिष्ट ऊष्मा लगा देना है, उसमें कहीं भी घबराने का बात नहीं है। लेकिन ध्यान में रखिएगा जब भी आपको अवस्था चेंज होगा, तो यहाँ से हो गया अगर सवाल आपसे पूछ दे कि 10-10 डिग्री बर्फ को हमको 0 डिग्री पानी बनाना है, तब यहाँ पे देखिएगा दोनों चीज यूज होगा। यहाँ पे आपका विशिष्ट ऊष्मा यूज होगा, एम एस डेल्टा की पहले यूज होगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका गुप्त ऊष्मा यूज होगा, यानी दोनों चीज यूज होने के बाद जो है टोटल जो है उसका जो है ऊष्मा निकलने वाला है। देखिएगा अगला वीडियो का इंतजार करिएगा, बहुत जल्द मैं इसके ऊपर में न्यूमेरिकल आपको बना दूंगा, ताकि आपको जो अच्छे से इसको समझ पाए। इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे आई होप, और मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड आते ही रहता है, तो इसको जो न्यूमेरिकल आप इजिली कर पाइएगा, क्योंकि बेसिक साइंस में काफी ज्यादा यहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है एलपी टेक्निशियन में जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप फिजिक्स में बेसिक साइंस का तैयारी कर रहे हैं तो भी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और जो है कि और से ज्यादा लोगों को जो है शेयर जरूर करें, ताकि जो है देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात है। फिजिक्स में अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आपको न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे, आपका फॉर्मूला सिर्फ याद रहने से काम नहीं होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।